गुरु घासीदास बाबा के उपदेशों में से सत्य की साधना उनका पहला उपदेश है। इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करें तो हम उनके जीवन, उनके समय के सामाजिक परिवेश और उनके द्वारा दिए गए शिक्षाओं पर गहराई से विचार कर सकते हैं। एक झलक उनके जीवन और पृष्ठभूमि पर। गुरु घासीदास बाबा का जन्म 18वीं सदी में छत्तीसगढ़ के गिरौदपुरी गांव में हुआ था। उनका जीवन काल उस समय के भारत के सामाजिक और धार्मिक परिवेश में महत्वपूर्ण रहा है। इस समय भारत में जातिवाद, अंधविश्वास और धार्मिक कुरीतियां व्यापक रूप से फैली हुई थीं। समाज में उच्च और निम्न जातियों के बीच गहरा भेदभाव था और निम्न जातियों को अनेक प्रकार के अन्याय और शोषण का सामना करना पड़ता था। उनका पहला उपदेश सत्य की साधना। गुरु घासीदास बाबा ने समाज में सत्य और सादगी का महत्व बताते हुए कहा कि सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ा धर्म है। उनका मानना था कि जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो हमें किसी भी प्रकार के डर या अनिश्चितता का सामना नहीं करना पड़ता। सत्य की साधना का मतलब है कि हम अपने जीवन में हर समय सच्चाई का पालन करें, चाहे स्थिति कैसी भी हो। सत्य की साधना के विभिन्न पहलू पर उन्होंने बात किया है। पहला है आंतरिक सत्य। गुरु घासीदास ने कहा कि सबसे पहले हमें अपने आप के साथ सच्चे होना चाहिए। हमें अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों में सच्चाई को अपनाना चाहिए। यह आत्मनिरीक्षण और आत्म साक्षात्कार का मार्ग है जो हमें आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करता है। दूसरा है बाहरी सत्य। समाज में सत्य का पालन करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आत्मा के स्तर पर सच्चाई को अपनाना। हमें दूसरों के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ पेश आना चाहिए। गुरु घासीदास ने कहा कि दूसरों के साथ झूठ बोलना या धोखा देना न केवल उनके लिए हानिकारक है, बल्कि यह हमारे आत्मिक विकास में भी बाधा डालता है। तीसरा है सामाजिक समानता। गुरु घासीदास बाबा ने अपने उपदेशों में समाज में व्याप्त जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि सभी इंसान समान हैं और हमें सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। उनके अनुसार कोई भी इंसान जन्म या जाति के आधार पर ऊंचा या नीचा नहीं होता। सभी को समान अवसर और समान सम्मान मिलना चाहिए। चौथा है अंधविश्वास और कुरीतियों का विरोध। उस समय के समाज में अनेक प्रकार के अंधविश्वास और धार्मिक कुरीतियां प्रचलित थीं। गुरु घासीदास ने इन अंधविश्वासों का विरोध किया और कहा कि ईश्वर को पाने के लिए किसी विशेष अनुष्ठान या पूजा की आवश्यकता नहीं है। सच्ची भक्ति वही है जो सादगी और सत्य पर आधारित हो। पांचवा है शिक्षा का महत्व। गुरु घासीदास बाबा ने शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना। उनके अनुसार शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम समाज में व्याप्त अंधविश्वास और अज्ञानता को दूर कर सकते हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों को शिक्षा प्राप्त करने और समाज को शिक्षित करने का उपदेश दिया। छठवां है साधारण जीवन का पालन। गुरु घासीदास बाबा ने सादगी और संयम का पालन करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जीवन में सच्चा सुख और शांति भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि आंतरिक संतोष और सादगी में है। उनके अनुसार अनावश्यक दिखावा और भौतिक वस्त्रावली हमें असली सुख से दूर ले जाती हैं। अंतिम है समाज में सुधार। गुरु घासीदास बाबा ने समाज में सुधार के लिए अनेक प्रयास किए। उन्होंने लोगों को अंधविश्वास और जातिवाद से मुक्त करने के लिए अपने उपदेशों के माध्यम से जागरूक किया। उनके अनुयायियों ने उनके उपदेशों को अपनाकर समाज में अनेक सुधार किए और अन्याय के खिलाफ खड़े हुए। वर्तमान में प्रासंगिकता। गुरु घासीदास बाबा के उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थे। आज के समाज में भी हम अनेक प्रकार की सामाजिक और धार्मिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि सच्चाई, समानता और सादगी के मार्ग पर चलकर हम इन समस्याओं का समाधान पा सकते हैं।
गुरु घासीदास बाबा का जीवन और उनके उपदेश हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने जीवन में सत्य, सादगी और समानता को अपनाएं और समाज में सुधार लाने के लिए प्रयत्नशील रहें। उनके संदेश हमें यह याद दिलाते हैं कि सच्ची भक्ति और सच्चा धर्म वही है जो सभी को समानता और न्याय के साथ देखे और सभी में ईश्वर की उपस्थिति को माने।